नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले क्या है, ये बेसिकली nth रूट ऑफ इनफिनिटी तक हम लोग को पढ़ना है, लेकिन nth रूट ऑफ इनफिनिटी की शुरुआत करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी, फोर्थ रूट ऑफ इनफिनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ इनफिनिटी। इस तरीके से हम पहले कुछ आइडियाज़ देंगे, उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई शुरू होगी। क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी का मतलब क्या है कि अगर मान लो क्यूब रूट, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इस बात को अगर मैं लिखना चाहूँ तो z क्यूब इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ मैं, और जब z क्यूब इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ तो z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गई। और इस इक्वेशन से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से इस इक्वेशन का अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो ये फैक्टर की वैल्यू ये आ जाती है, और यहाँ से अगर मैं रूट्स की बात करता हूँ तो z माइनस 1 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो नई सेकेंड इक्वेशन है z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो z इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और उसके बाद एक वैल्यू हम लोग प्लस के साथ ले लेते हैं और एक वैल्यू हम लोग माइनस के साथ ले लेते हैं। और ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू का नाम हम लोग ओमेगा रखते हैं, और ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू का नाम रखा जाता है ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो रिलेशन आता है फर्स्ट, कि फर्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और सेकंड रिजल्ट आ जाता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी पढ़ रहा हूँ, तो उस केस में इसका नाम तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रख दिया। लेकिन अगर मुझे पढ़ना कहाँ तक है, nth रूट ऑफ इनफिनिटी तक, कहाँ तक पढ़ना है, nth रूट ऑफ इनफिनिटी तक। तो एक बात जरा सब लोग सोचें, क्यूब था तो इसका तुमने फैक्टर कर लिया, अब अगर मान लो फोर्थ रूट होता तो उसका भी फैक्टर हो जाता, लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे बढ़ना शुरू होऊंगा तो इसके फैक्टर होने बंद हो जाएंगे। और जब फैक्टर होने बंद हो जाएंगे तो इन रूट्स को निकालेंगे कैसे, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो रूट्स तुमने फट से निकाल लिए, अब इसके आगे के रूट्स कैसे निकलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा काम इस तरीके के सिस्टम से नहीं चलेगा, हमें कोई दूसरा सिस्टम सोचना पड़ेगा। तो अब वो दूसरा सिस्टम क्या है, उसके बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पर ये इस तरीके से लिख लिया जाया करेगा, और क्या करेंगे, चूँकि ये क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी क्या है, तो यानी इस इक्वेशन के थ्री रूट्स होंगे, और वो थ्री रूट्स मैं मान लेता हूँ 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर है, क्या है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से ऐसे लिख दिया जाया करेगा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। अब पूरी क्लास का काम ये होगा जानने का कि मैं कैसे अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ। तो हमेशा अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी, याद रख लेंगे इसको, ई टू द पावर आई 2 पाई, कौन सा रूट ऑफ इनफिनिटी पर पढ़ रहा हूँ, क्यूब रूट, तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अगर मैं फोर्थ रूट ऑफ इनफिनिटी पढ़ूंगा तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, अगर फिफ्थ रूट ऑफ इनफिनिटी पढ़ूंगा तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये जो वैल्यू है, जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग, अभी एक दो वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर नहीं निकालेंगे हम, इसका वैल्यू का मतलब यही तो है क्या, कॉस 2π/3 यानी कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस आई साइन 2π/3 क्या हो गया, √3/2। अब अगर ध्यान से सब लोग देखो तो यही तो वैल्यू ओमेगा की है। अब यहाँ से अगर मैं अल्फा स्क्वायर निकालूँ तो ई टू द पावर आई 2π/3 इसका क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर, तो ई टू द पावर आई 4π/3, और ये क्या आ जाएगा, कॉस 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। और अब कॉस 4π/3 की वैल्यू भी क्या होती है, -1/2 ही होती है, और साइन 4π/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो साइन 4π/3 की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, साइन पाई प्लस π/3, और साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है, -sin थीटा, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2।
तो यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि माइनस वन बाई टू माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू, देख लो वही वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना कि जो भी रूट अफिनिटी मैं बोलूँगा तुरंत सबसे पहले ये ऐसे इक्वेशन बन ली जाएगी और उसके बाद वन अल्फा अल्फा स्क्वायर। अगर वो यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ अफिनिटी होता क्या होता, तो यहाँ वन अल्फा अल्फा क्यूब तक चला जाता। अगर ये फिफ्थ रूट ऑफ अफिनिटी होता तो वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर फोर, और अल्फा की वैल्यू पता होती। फिर अगर जिस रूट की मुझे ज़रूरत है उस रूट को इस तरीके से सिंप्लीफाई करके मैं निकाल सकता हूँ। अब यहाँ तक पहले नोट करेंगे, फिर इसके आगे फिर आगे की बात बताता हूँ। नेक्स्ट, अब आगे की बात क्या है कि यहाँ पर जितने भी रूट ऑफ यूनिटी हैं ये सारे के सारे ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कैसी ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वो जानते हैं। हम सब लोग को एक बात पता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक पॉइंट है। तो इस वजह से अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वन बाई टू कॉमा रूट थ्री बाई टू। और ये जो अदर रूट आया था इसको कैसे ले सकता हूँ, माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू आयोटा, और ये वैल्यू माइनस वन बाई टू कॉमा माइनस रूट थ्री बाई टू ये आ जाएगी। अब अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनाता क्या है, कैसा दिखता है, तो हम लोग बोलेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को बनाता है, समबाहु त्रिभुज को बनाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को। कैसा ट्रायंगल है ये, देखो इधर, यहां पर हम सब लोग एक बात को ध्यान करेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री से जोड़ेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, ये जेड इक्वल टू दिस, इस पूरी लाइन का मतलब बेसिकली मतलब क्या है, वन बाई थ्री है कि नहीं। अब अगर मैं इसका मॉड निकाल दूं, क्या निकाल दूं, मॉड, तो ये रियल नंबर का मॉड तो वही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो मॉड जेड बराबर वन हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। और जेड बराबर अगर मैं एक्स प्लस आई वाई ले लूं तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू वन। और जब एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू वन तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन। और जैसे ये लिखा तो भैया हमको एक पुरानी बात याद आ गई, क्या, कि ये जो इक्वेशन थी एक सर्किल की इक्वेशन थी जिसका सेंटर क्या है, जीरो कॉमा जीरो, और रेडियस क्या है, वन। तो जितने भी रूट ऑफ यूनिटी पढ़ोगे, जितने भी रूट, चाहे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, चाहे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, चाहे फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हो, चाहे nth रूट ऑफ यूनिटी हो, ये सारे के सारे एक सर्किल के ऊपर दिखते हैं। कौन सा सर्किल, जिसका सेंटर ओरिजिन होता है और रेडियस क्या होती है, वन। तो यहां पर ये सर्किल हो गया, और इस सर्किल का सेंटर 0,0, भाई इसका सेंटर 0,0 था कि नहीं था, और रेडियस क्या थी, वन। गया गया। और अब ध्यान करते हैं कि जो हमारे रूट्स आए उनके बारे में, हमारे रूट्स क्या थे, वन अल्फा अल्फा स्क्वायर, यही वन, तो ये 1,0 क्योंकि खाली वन है, और अल्फा, यही जो अल्फा है असल में ये क्या है, ओमेगा है। ये जो अल्फा स्क्वायर है यही क्या है, ओमेगा स्क्वायर। अब अगर मैं इसको देखूं पॉइंट को, तो ये एक्स की वैल्यू माइनस में है और वाई की वैल्यू किस में है, प्लस। तो एक्स का वैल्यू माइनस वन बाई टू और वाई का वैल्यू दिस। तो यहां पे एक बात ध्यान करेंगे, क्या, जितने भी रूट होंगे, बात सुनेंगे, जितने भी रूट होंगे वो सारे के सारे इस सर्किल की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब देखो, ये पॉइंट इसके अंदर रखो, जैसे x और y का पॉइंट रखो, x के माइनस वन बाई टू, इसके रूट थ्री बाई टू कितना आएगा, वन बाई फोर, थ्री बाई फोर, कुल मिला के क्या हो गया, वन। तो क्या मतलब सीखा, कि जितने भी रूट होंगे वो सभी के सभी सर्किल के ऊपर होंगे और उसकी सर्कमफ्रेंस को, यानी सर्किल की क्वेश्चन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और एक खास बात, ये जो लिखा है इसी का इमेज ही तो नीचे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ठीक इसके कहां आएगा, नीचे। और जब ये इसके ठीक नीचे आ गया, ये यहां आ गया, और अब देखो कितने पॉइंट हो गए, एक दो तीन।
अब ये तीन पॉइंट हो गए तो इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। ये आ गया, तो ये क्या दिख रहा है हम लोग को, एक ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, और ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल क्यों, अरे निकालना चाहेंगे तो हम निकाल सकते हैं कैसे, ए पता, इसको मान लो ए पॉइंट, इसको मान लेते क्या बी पॉइंट, क्या मैं ए बी निकाल सकता हूं, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूं, कि दो पॉइंट दिए गए हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, भाई डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये कितना आ जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, कुल मिला के कितना आ गया, तो जितनी वैल्यू ये आएगी उतनी ही वैल्यू ये आएगी, तो सारी वैल्यू जो आएंगी वो क्या रहेंगी, सेम आ जाएंगी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई प्रॉब्लम उसमें, अरे उस वो अलग चीज है, अभी लेंथ अगर देखी जाएगी तो सेम आई कि नहीं आई, ये ए बी की लेंथ कितनी आ गई, ये ऐसे ही तो निकाली जाएगी कि नहीं निकाली जाएगी। अच्छा अब उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे की बात क्या है कि जैसे ए बी निकाला है वैसे बी सी निकालोगे, बी सी निकाल लो, देख लो इधर बी, इसका नाम सी रख दो पहले, बी सी निकालोगे, देख लो। अब आगे की बात क्या हुई, यहां पे अगर सब लोग ध्यान दो, ये इसको ओ मान लो, तो ये ओ से बी और ओ से ए भी आपस में बराबर है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या है सर्किल की रेडियस, ऐसे भी देख सकते हो, और ये भी क्या है आपस में बराबर, फिर से सर्किल की रेडियस आ गई कि नहीं आ गई, आप खुद ही देख लो, ये वन है ये वन है, अब निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई डाउट, ये देख लो ए बी ऐसे, ए बी की वैल्यू जो है थी वो क्या थी वन, और ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो 1/2 होल ऑफ स्क्वायर 0 - √3/2 स्क्वायर, तो ए बी की जो वैल्यू हुई कितनी हुई 9/4 और 3/4 कितना आ गया, √3 आया कि नहीं आया। अब ऐसे तुम बी सी अगर देखना चाहोगे तो इसमें सिर्फ कौन जुड़ेगा, वाई वाला ही तो जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, क्योंकि एक्स वाला तो ये हट जाएगा, तो ये कितना है ऊपर सीधे निकाल दोगे बी सी, ये तो 0 हो जाएगा, और ये √3 का स्क्वायर, तो ये कितना गया √3, और ऐसे निकालोगे तो सी ए भी सेम ही है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए बराबर, और ट्रायंगल में अगर तीन साइड बराबर है तो उसी का नाम क्या होता है इक्विलेटरल। और इसी बात से अगर मैं तुमसे बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं, इसको मैं 1 लिखा रहने देता हूं, और ये जो लिखा हुआ है इसी का नाम क्या लिखा गया, अल्फा लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, और इसी का नाम क्या है अल्फा स्क्वायर, ठीक। अब अगली बात, अगर मैं सबसे पूछूं तो ये आला एंगल कितना है, बोलो कितना है, 2π/3, 120 है कि नहीं है, कितना है 120, ये आला एंगल कितना है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल तो 2π/3, और ये भी एंगल कितना होगा 2π/3। अब अगर तुम ध्यान से सोचो अल्फा की वैल्यू कितनी थी 2π/3, और हम लोग को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब कोई मल्टीप्लाई होता है तो जितना एंगल होता है उतने एंगल पे वो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है कि नहीं घूम जाता है, अरे मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था कि नहीं, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कितना है, ये 1 है कि नहीं है। अच्छा मैं 1 में कह दूँ अल्फा से मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा का एंगल कितना बोला गया है, देख लो 2π/3 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अब इस अल्फा में मल्टीप्लाई करो फिर से अल्फा की, कितना आएगा अल्फा स्क्वायर, तो 2π/3। अब तुमको ये नया एंगल निकालना नहीं आ रहा तो तुम और भी तरीके से निकाल सकते हो एंगल, कैसे निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ये एक पॉइंट पता है एक पॉइंट ये पता है, तो इससे इसकी स्लोप निकल आएगी कि नहीं m1,
और ये दूसरा पॉइंट पता है, इसे स्लोप इसकी क्या रहेगी m2, तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। नहीं तो सीधे ज्योमेट्री से निकाल सकते हो कि ये पूरा एंगल कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री था कि नहीं था, तो ये एंगल कितना रह जाएगा 30, ये कितना रह जाएगा 30, तो ये बचा कितना 120। लो ऐसे निकल आया सीधे। तो इसमें एक ही चीज़ को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, इसलिए उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो पहले मेन जो पॉइंट निकला वो क्या निकला कि क्यूब रूट ऑफ इनिटी क्या बनाएगा, क्यूब रूट ऑफ इनिटी एक क्या बनाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले सुनते चलेंगे फिर लिखवाऊंगा मैं खुद। उसके बाद अगर कोई अगला चीज पूछेगा तो हम कहेंगे जितने भी रूट हैं, क्या हैं, जितने भी रूट हैं वो हमेशा फिगर के वर्टेक्स के ऊपर होते हैं। कहाँ पे होते हैं, वर्टेक्स। ये सब क्या है, ये वर्टेक्स है, ये क्या है, वर्टेक्स, ये क्या है, वर्टेक्स, मतलब शीर्ष के ऊपर होंगे। जितने भी रूट्स होंगे वो सब कहाँ पे लिखेंगे, वर्टेक्स के ऊपर। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कि जो भी फिगर बनेगा वो हमेशा वो कैसा होगा, रेगुलर फिगर होगा। वो सब कैसा फिगर होगा, रेगुलर फिगर का मतलब क्या हुआ, जिसमें सारी साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, सारी साइड्स क्या हो, इक्वल। अब अगली बात कि जब भी रूट लोकेट होंगे तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में चलेंगे। किसमें चलेंगे, एक बात आओ, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या लिखते थे, 1 लिखते थे कि नहीं, अपनी आंखें खोलना जरा देखो, यहाँ 1 था, अल्फा से मल्टीप्लाई किया यहाँ पहुंचे, फिर से अल्फा से मल्टीप्लाई करो, अगला दोबारा अल्फा से मल्टीप्लाई करो, फिर अल्फा से मल्टीप्लाई करो, ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू ओमेगा लिखते थे कि नहीं, फिर मल्टीप्लाई करो। वही जो रूल्स हैं वही सारे फॉलो होने लग जाएंगे। तो क्या चीज़ सीखे, अगली बात, पहली बात ये सीखे कि जो भी फिगर बनेगा वो हमेशा कैसा फिगर बनेगा, रेगुलर। दूसरी बात, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमेशा क्या बनेगा, इक्विलेटरल। तीसरी बात कि जितने भी रूट होंगे वो सब कहाँ होंगे, वर्टेक्स पे। और चौथी बात कि रूट हमेशा कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगली बात, अब अगली बात क्या है, तुमको ध्यान दो, ये अल्फा लिखा है, ये क्या है, अल्फा स्क्वायर। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, ये लिखा है और ये लिखा है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो ही मिलेगा। और कॉन्जुगेट का मतलब हम लोग को पता है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, टेकिंग मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये देखो अल्फा का कॉन्जुगेट कौन, अल्फा स्क्वायर, ठीक। यानी क्या हुआ, ऊपर का कॉन्जुगेट कहाँ है, नीचे, नीचे का कॉन्जुगेट, अच्छा यहाँ पे है तो इसका कॉन्जुगेट किधर, इधर, गलत। कॉन्जुगेट हमेशा कहाँ देखा जाए, एक्स एक्सिस पे। तो खाली रियल नंबर कोई लिख दे, कह दे इसका कॉन्जुगेट क्या है, जेड बराबर, तो इसका कॉन्जुगेट यही है। कॉन्जुगेट सिर्फ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट नहीं होता है, ठीक, या तो ऊपर या नीचे, ठीक। अगली बात, अब जितने भी रूट लोकेट हुए, क्या चीज देखिए, अगली बात देखो, जितने भी रूट हैं उनको एंटी क्लॉकवाइज में एक साथ लिखते चले जाओ तो उनका सम हमेशा जीरो होगा। रूट का सम हमेशा क्या होगा, जानते हो कि नहीं जानते हो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या, अब चाहे तो तुम वैल्यू पुट कर दो तब भी तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ये अगला पॉइंट था। अब उसके बाद अगली बात, और अगली बात क्या है, अब फिर से देखते हैं। अगर ये रूट को अभी कैसे लोकेट किया हम लोगों ने, एंटी क्लॉकवाइज। अब कैसे लोकेट करने जा रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज। तो पहले क्या हो, 1, अब इसको हम लोग लिखेंगे अल्फा बार। इसको क्या लिखा जाएगा, अल्फा स्क्वायर का बार, क्योंकि अल्फा ऐसे चलेगा। अब जरा ध्यान से देखो, अल्फा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट, ये बना कि नहीं बना, ओमेगा मत बोलो, अल्फा, अल्फा का कॉन्जुगेट क्या, अल्फा स्क्वायर। देखो अल्फा का कॉन्जुगेट क्या, अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा का कॉन्जुगेट लिखोगे, यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे। आप देखो अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट तो कहाँ दिखेगा, ऊपर, ऊपर का कॉन्जुगेट कहाँ है, नीचे, नीचे का कहाँ, तो अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट कहाँ दिखेगा, ऊपर, देखो दिखा, ठीक। तो जब तो क्या सीखे यहाँ से, रूट लिखे तो एंटी क्लॉकवाइज, और जब कॉन्जुगेट लिखे तो क्या, क्लॉकवाइज। और रूट का सम, अब चाहे यहां से तुम यहां तक का सम देखो, चाहे यहां से यहां तक का सम देखो, दोनों ही स्थितियों में इनका सम हमेशा क्या होगा, जीरो। पहले इतना लिख लो वरना घूम जाओगे भी।
तो अब नेक्स्ट, तो हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे ध्यान दिया है, पहली बात फिर से एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या, कोई भी रूट ऑफ यूनिटी हो वो हमेशा एक सर्कल के ऊपर होगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस क्या होगी, 1। दूसरी बात कि जितने भी रूट होंगे, जितने भी रूट होंगे वो हमेशा किसके ऊपर रहेंगे, वर्टेक्स के ऊपर, जो भी फिगर बनेगा उसके वर्टेक्स के ऊपर होंगे। तीसरी बात कि जो रूट लिखे जाएंगे वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखे जाएंगे, किसमें लिखे जाएंगे, और उनके रूट का सम क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, उनके रूट का सम क्या होगा, जीरो। अब तीसरी बात क्या थी कि यहां पर अगर मैं कॉन्जुगेट बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट बना रहा हूं तो भी 1 दिस और दिस यानी रूट का सम तभी भी हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब आगे की बात क्या है, रूट का सम तो जीरो है ही है, और तुमने रूट क्या निकाले, यहां पे ध्यान से देखना, रूट हम लोगों ने जो निकाले थे वो था एल, 1 था एक, दूसरा क्या था, -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, और तीसरा था -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो तुरंत यहां पे एक बात और आया था कि रूट का सम तो जीरो है ही है और उसके सिर्फ रियल पार्ट का सम भी जीरो है। देखो इसमें रियल पार्ट क्या है, ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो इनका सम भी करोगे तो कितना मिलेगा, जीरो। ये अगला पॉइंट है। और उसके बाद का पॉइंट क्या, अगला पॉइंट क्या है फिर, कि रियल पार्ट का तो सम जीरो है ही है, उसके खाली इमेजिनरी पार्ट का सम भी जीरो है। देखो इमेजिनरी पार्ट को इसमें प्लस के साथ उसमें क्या है, जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। अब इधर फिगर में देख लो, खाली 1 -1/2 -1/2 सबको जोड़ो, जीरो। अब इमेजिनरी को जोड़ो, जीरो रूट 3/2 तो भी वैल्यू क्या, क्या चीज की, 3। रूट का सम जीरो, रूट के रियल पार्ट का सम भी जीरो, रूट के बात समझे। तो ये थी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बातें। और अगली बात एक और हम ध्यान रखेंगे, ये भी सब में वैलिड होगी, क्या वैलिड होगी सब में, कि जितनी भी वर्टेक्स हैं उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, समान, इक्वल होगी। ए से बी की दूरी, बी से सी की डिस्टेंस, सी से ए की डिस्टेंस, ये आपस में क्या होंगी, बराबर। इसी वजह से बोला जाएगा कि इसमें जो भी फिगर बनेगा वो कैसा फिगर बनेगा, रेगुलर फिगर बनेगा। कैसा फिगर बनेगा, रेगुलर फिगर बनेगा। बात क्लियर हो गई इतनी। अब हेडिंग लिखते हैं नेक्स्ट, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फिर से वैसे कॉपी में लिख लेंगे, ये लिख गया, √1 α α² अल्फा क्यूब, और अल्फा की वैल्यू e^i 2π/4, यानी कि हर रूट के बीच का एंगल कितना होगा, π/2। यहाँ से अच्छा, यही वो लास्ट इक्वेशन है जो सीधे सॉल्व होती, बाकी फिर नहीं सॉल्व होती, बाकी में तो रूट्स अल्फा के पैटर्न से ही निकाला जाता है अगर जरूरत होती है तो। देखो इधर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लास्ट टाइम एक बार और निकाल के दिखा रहे हैं, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँगा तो z^4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और z^4 -1 इक्वल टू 0, z^4 -1 इसका फैक्टर हो जाएगा। और अब यहाँ से वैल्यू देखते हैं, तो ये z^2 = 1, तो z = ±1, और z^2 + 1 = 0, तो z^2 = -1, यानी कि z = √±√(-1), यानी ±i। अब अगर मैं तुमसे यहाँ से बोलूँ इसको पॉइंट में बदलो, किस में बदलो, तो पॉइंट क्या होगा, एक एक 1, 0 और दूसरा क्या होगा, और जब यहाँ से i लिखा है तो i को पॉइंट पे कैसे लिखेंगे, इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, सिर्फ कौन सा पॉइंट है, इमेजिनरी, तो 0, 1, ये -i, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, -1। और हमने क्या सीखा है, कोई भी रूट ऑफ यूनिटी हो, कोई भी रूट ऑफ यूनिटी हो वो हमेशा कहाँ रहता है, सर्किल के ऊपर,
जिसका सेंटर क्या होता है, ओरिजिन, और रेडियस क्या होती है, वन। वन आयोटा लिखें या 0.1 लिखें, एक ही मतलब है। माइनस वन माइनस आयोटा कोई लिखे या 0.-1 लिखे, एक ही मतलब है। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं, और अब अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं, इसको अल्फा के टर्म में लिखना हो, किसके टर्म में लिखना हो, तो अल्फा के टर्म में कैसे लिखोगे इसको, वन अल्फा अल्फा स्क्वायर, ये क्या लिखा जाएगा, अल्फा क्यूब, चारों रूट हो गए कि नहीं, देखो वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या कर सकते हो, फिर से लास्ट टाइम निकाल लें, कॉस पाई बाई टू, तो ये सीधे क्या बन जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, आई। अब अपनी आंखें खोलो, देखो इधर एक बात बताओ, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखते हो, लिखते हो कि नहीं, आई क्यूब की वैल्यू क्या लिखते हो, माइनस आई लिखते हो कि नहीं, आई की पावर फोर की वैल्यू क्या लिखते हो, लिखते हो ना। अब इधर देखो, वन वन में मल्टीप्लाई किया किसकी, अल्फा की, तो यहाँ पहुँचे। अब देखो फिर अल्फा की मल्टीप्लाई की, सिर्फ बोर्ड में देखना, अल्फा की मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू कितनी थी, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, देख लो आप, फिर से देखो अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, देख लो। अब इसके आगे तुम चल जाओगे क्या, जैसे बढ़ाते जाओगे तो सारे रूल्स अपने आप बनते चले जाएंगे। अल्फा की पावर फोर, आई की पावर फोर की वैल्यू क्या होती थी, वन, देख लो, और बढ़ा दूँ तो और बढ़ाते चले जाओ ऐसे। और ये तो वन है, ये एक बात और, अल्फा की वैल्यू कितनी थी, आई, कितनी थी, आई। तो तुमको मैंने क्या किया, तुमको मैंने किया ये कि हर एक में अल्फा से मल्टीप्लाई कराया कि नहीं कराया, और जैसे हमने अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो इधर देखो, ए तुम यहाँ थे, यहाँ पहुँच गए, यहाँ थे तो यहाँ पहुँच गए, यहाँ थे तो कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। तो तुमसे कोई कहे कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना घूम रहे हो, 90 डिग्री, कब, जब अल्फा की वैल्यू क्या है, आई। तो अब मैं तुमसे ये बोल सकता हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में तुमसे कोई पूछे कि अगर आई से मल्टीप्लाई कर देते हो, किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, तो तुम कितना चले, तो तुम कहोगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। तो ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। जिस कॉम्प, ए इधर देखो, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रही, किसे मल्टीप्लाई, और कितना घूम रहा है, यहाँ से देख लिया जाया करेगा, जितना एंगल निकलेगा उतना ही एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओगे। अच्छा, इस बार कितना रूट आया जरा बताओ, देखो दो रियल रूट आए, एक प्लस वन और एक क्या, और बाकी दो क्या है, इमेजिनरी। अब एक बात तुमको ध्यान रखनी होगी, क्या सुनो जरा अब आगे की बात, ये कौन सा रूट ऑफ यूनिटी है, फोर्थ, इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, फिफ्थ। जब कभी भी ऑड रूट ऑफ यूनिटी होगा, क्या होगा, तो उसका एक ही रियल रूट होगा, एक, बाकी के सारे रूट कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, बाकी के सारे रूट क्या होंगे, अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद अगर इवन रूट ऑफ यूनिटी होगा, क्या होगा, तो उसके हमेशा दो रियल रूट होंगे, एक प्लस वन और एक क्या, बाकी के रूट क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। अब आगे की बात सुनो, अब नई बात सुनो, अगर मैं तुमसे इसी बात को ऐसे बोलूँ, क्या, कि अगर ऑड डिग्री की बात हो रही, किसकी डिग्री की बात हो रही, तो उसके अंदर हमेशा एक रियल रूट होगा, कौन सा, प्लस वन, और बाकी के जो रूट होंगे, अब उनके बारे में बताने जा रहा हूँ, बाकी के जो रूट होंगे उनको हमेशा दो पार्ट में तोड़ दोगे, कितने पार्ट में तोड़ दोगे, दो।
आधे एक्स एक्सिस के ऊपर और आधे एक्स एक्सिस के कहाँ, और वो कैसे होंगे, वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होंगे, वो एक दूसरे के क्या होंगे, जैसे तुमने क्यूब रूट पढ़ा तो क्यूब रूट यानी डिग्री कैसे होगी, ऑड, तो उसके अंदर कितना रियल रूट रहा, एक, बाकी के बचे कितने रूट, दो, आधे ऊपर और आधे, अब वो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, कॉन्जुगेट। अब मैंने बोला फोर्थ रूट अफिनिटी यानी इवन रूट अफिनिटी, तो कितने रियल रूट, दो, प्लस वन और बचे कितने, आधे ऊपर आधे, अब वो एक दूसरे के क्या, कॉन्जुगेट। अब मैं तुमसे कह दूं फिफ्थ रूट अफिनिटी, कितने रूट अफिनिटी बोला मैंने, फिफ्थ, कितना रूट रियल होगा, एक, मतलब कौन सा, वन, बाकी कितने बचे, चार, दो ऊपर और दो, वो दोनों एक दूसरे के क्या है, हर रूट के बीच में एंगल कितना है, अल्फा बराबर ई की पावर आई टू पाई बाई फाइव, तो कितना एंगल मिला, टू पाई बाई, तो हर रूट के बीच में एंगल कितना, टू पाई बाई। अच्छा बताओ सिक्स्थ रूट अफिनिटी होगा तो कैसा दिखेगा, अब सिक्स्थ रूट अफिनिटी, तो एक रूट रियल प्लस वन और एक क्या, बचे कितने, चार, दो ऊपर दो, हर रूट के बीच में एंगल कितना, पाई बाई थ्री, क्यों, टू पाई बाई सिक्स, तो एंगल कितना हो गया, पाई बाई। अब दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, इतना लिख लेते हैं फिर अब आगे बनाते हैं कुछ फिगर और। तो ये कुछ फिगर बनाते हैं हम लोग, जैसे फिफ्थ रूट अफिनिटी, सबसे पहले सर्किल बना लिया जाएगा, सेंटर 0,0, रेडियस 1, रूट फिफ्थ रूट अफिनिटी है तो इसका मतलब कि एक ही रूट रियल होगा 1 और बाकी अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा पे पावर 4 और अल्फा की वैल्यू e की पावर i 2 पाई बाई 5। अब बाकी के दो रूट बचे, ये 1 हो जाएगा, तो दो रूट ऊपर होंगे और दो रूट कहाँ होंगे, इसके ठीक नीचे, और इसका फिगर ऐसे दिख रहा होगा फिफ्थ रूट अफिनिटी का। ये है फिफ्थ रूट अफिनिटी, ये सब आपस में क्या है, सेम है, इक्वल है। ऐसे सिक्स्थ रूट अफिनिटी, और हर एक के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पर टू पाई बाई फाइव, ये एंगल कितना, टू पाई बाई फाइव, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, ये हो गया। सिक्स्थ रूट अफिनिटी है तो क्या होगा, रूट क्या हो जाएंगे, रूट्स 1, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा टू द पावर 4, अल्फा टू द पावर 5 और अल्फा बराबर क्या, e की पावर i 2 पाई बाय 6, तो अल्फा बराबर e टू द पावर i पाई बाय 3, यानी हर रूट के बीच का एंगल कितना, पाई बाय 3। अब सिक्स्थ रूट अफिनिटी है तो ए, इसमें दो रियल रूट होंगे, एक प्लस वन और एक क्या, माइनस वन, बचे कितने, फोर, दो ऊपर और दो नीचे, तो एक यहाँ पे कहीं बना देता हूँ अल्फा, यहाँ अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा क्यूब, इसके ठीक नीचे आ जाएगा ये अल्फा 4 और इसके ठीक नीचे आ जाएगा अल्फा 5। आ गया
और हर रूट के बीच का एंगल पाई बाई थ्री। ये इसका आंसर है। तो ये इस तरीके से कुछ हमने फिगर बना दिए हैं, अब इनको नोट कर लेते हैं और अब पहुंचते हैं हम लोग डायरेक्ट कहाँ, nth रूट ऑफ यूनिटी पे। तो nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में जब बात करेंगे तो अब सारी चीज़ें तो क्लियर हैं यहाँ पर कि पहली बात nth रूट ये आ गया। अब यहाँ पे रूट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो रूट्स कहते चलेगा वन, एल्फा, एल्फा स्क्वायर, एल्फा क्यूब और अप टू एल्फा टू दी पावर एन माइनस वन। और एल्फा बराबर क्या होगा, ई टू दी पावर आई टू पाई बाई एन। अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर जेड बराबर nth रूट ऑफ वन लिखा है तो जेड टू दी पावर एन इक्वल टू वन या जेड टू दी पावर एन माइनस वन इक्वल टू क्या, जीरो। और जब ये लिख दिया तो मैं यहाँ से रूट्स को क्या बोलूँगा, वन एल्फा, एल्फा स्क्वायर, एल्फा क्यूब और ये एल्फा टू दी पावर क्या हो गया एन माइनस वन। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुमको मैं अभी बार बार फिगर से दिखा रहा था ना कि रूट का सम क्या है, जीरो। तुम ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, ये रूट्स लिखे हुए हैं वन प्लस एल्फा स्क्वायर एल्फा क्यूब। अब याद करो थ्योरी ऑफ इक्वेशन तुमने पढ़ी थी, तो कभी भी रूट का सम अगर निकालना होता तो क्या लिखते हो, माइनस बी बाई ए लिखते हो कि नहीं। तो ये जेड की पावर एन है और बी का मतलब क्या, उससे एक डिग्री कम, तो जेड टू दी पावर क्या हो एन माइनस वन, वो तो है ही नहीं, तो इसका लाइस की वैल्यू क्या, जीरो। इसीलिए बोला जाएगा, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रूट्स का सम क्या है, जीरो। पहली बार क्या थी कि वैल्यू थी तो इसने वैल्यू से समझा दिया, अब वैल्यू इतनी कौन निकालेगा, बात समझे। तो रूट का सम क्या हुआ, जीरो। फिर दूसरी बात हमने ये बताई थी कि रूट के सिर्फ रियल पार्ट का सम भी क्या होता है, जीरो, और रूट के इमेजिनरी पार्ट का सम भी क्या होता है, वो होता है। ये तो बात सही है, आप कैसे प्रूफ करोगे, देखो ये जो पूरी बात लिखी हुई है ना, इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं एल्फा की पावर आर और आर इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, आर का जो जीरो वन टू ऐसे रखेंगे तो यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और अल्फा की वैल्यू तो हमको पता ही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया, आर बराबर जीरो से एन माइनस वन ई टू दी पावर आई टू पाई आर बाई एन इक्वल टू जीरो, ये हो गया। और अब यहाँ पर ये e की पावर i थीटा वाली बात बन गई, और जब ये e की पावर i थीटा मिल गया तो r बराबर जीरो टू n माइनस वन cos टू पाई r बाई एन प्लस i साइन टू पाई r बाई एन ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। अब मैं सिग्मा को अंदर भेज देता हूँ, और जब सिग्मा को अंदर भेज दिया तो r बराबर जीरो से n माइनस वन कॉस टू पाई r बाई एन और आयोटा ये तो कौन बाहर आ जाएगा, और r इक्वल टू जीरो टू n माइनस वन साइन टू पाई r बाई एन इक्वल टू क्या, जीरो। और कॉम्प्लेक्स नंबर है जीरो के बराबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होता है, जब रियल पार्ट रियल के बराबर हो इमेजिनरी, तो जीरो प्लस आयोटा जीरो नहीं समझ सकते इस फॉर्मूले क्या। और जैसे तुम ये समझोगे तो सिग्मा आर बराबर जीरो से एन माइनस वन और कॉस टू पाई आर बाई एन बराबर जीरो, ये पहला रिजल्ट मिल गया। और अब इमेजिनरी पार्ट, तो सिग्मा आर इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन साइन टू पाई आर बाई एन इक्वल टू जीरो, ये दूसरा पार्ट बन गया। और अज्ञात याद करो, इसी का नाम तो रियल पार्ट है और इसी का नाम क्या है,
अब तुम खुद ही बोल लो कि रियल पार्ट का सम क्या है, जीरो, सिग्मा मतलब सम, रूट्स के इमेजिनरी पार्ट का सम क्या। अब इसका भी एक बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है, ये सीरीज तुमको याद रखनी है। कैसे याद रखनी है तुमको, मैं दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन जो इसके आए हुए हैं। यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ n इक्वल टू, एक ऑड नंबर पुट कर दिया मान लो, तो एक कॉस वाले में लिख रहा हूँ मैं, किसमें लिख रहा हूँ, कॉस वाले में। तो सिग्मा 0 टू n माइनस 1 कॉस 2 पाई r बाई 5 इक्वल टू 0। और अब मैं सिग्मा को ओपन करता हूँ, तो यहाँ r की जगह 0 रखोगे तो कॉस 0, r की जगह 1, 2 पाई बाई 5, r की वैल्यू 2, तो 4 पाई बाई 5, ये 5 रखोगे तो 4 तक जाएगा 2, फिर r का वैल्यू 3, तो ये 6 पाई बाई 5 प्लस r का वैल्यू 4, तो cos 8 पाई बाई 5 इक्वल टू 0। अच्छा cos 0 की वैल्यू तो सबको याद है, कितनी होती है 1, इसको मैं उधर भेज देता हूँ। अब याद करो सब लोग, cos 2 पाई बाई 5, cos 4 पाई बाई 5, cos 6 पाई बाई 5 प्लस cos 8 पाई बाई 5 इक्वल टू कितना, माइनस 1। अब याद करो ऐसे क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करते थे, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाते थे कि नहीं। ये देखो सीधे लिखा है, तो तुमको ये सीरीज याद रखनी है। इस पर एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन मिल चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, जो है तुम ट्रिग्नोमेट्री में खोलोगे और सीरीज के जब देखोगे क्वेश्चन तो तुमको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो सकते थे, वहाँ से सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और ऐसे क्वेश्चनों में सी और डी का जब कॉन्सेप्ट चलाओगे ना, तो ये भी समस्या कभी कभी खड़ी होती है कि ऐसी डिग्री बन जाती है जिनको एडजस्ट करने में दिक्कत हो जाती है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कहीं ऐसे तो नहीं डाटा सेट है, कैसे सीरीज पे 2, 4, 6, 8 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये ऐसे नंबर अगर से चल रहे हैं तो मतलब वो सब कुछ कहाँ से जुड़ रहा है, यहाँ से। इसमें 5 का क्वेश्चन आ चुका है, इसमें 9 रखोगे तो भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब इसको नोट कर लेंगे, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था कि ये रूट्स का सम क्या होगा, 0, और उसके रियल पार्ट का सम भी क्या होगा, 0, और उसके इमेजिनरी पार्ट का सम भी क्या होगा, 0। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या है कि ये कैलकुलेशन में काम आएगा। सेकंड देखो, जैसे यहाँ पे ये रूट क्या होता है कि 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब पावर में अल्फा पे पावर एन माइनस 1 तक, इसके क्या है रूट्स है। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ऐसा भी तो लिख सकता हूँ क्या, कि जैसे अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या लिख सकते हैं हम उसको, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशियंट आगे लगा देते थे कि नहीं। तो यहाँ से ऐसे ही z टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस 1, जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस अल्फा स्क्वायर अप टू जेड टू दी पावर एन माइनस 1, इसको ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन हमें मिलेगा कि इसमें ये लीनियर फैक्टर के फॉर्म में प्रोडक्ट लिखा है, ये क्या है, लीनियर फैक्टर ही तो है, ये प्रोडक्ट में लिखा है, तो समझ जाएंगे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो रहा होगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि ये जो बात लिखी हुई है इसमें क्या होगा, क्वेश्चनों में तुम यहाँ देखोगे कि जेड के प्लेस पे वैल्यू क्या है, जेड के प्लेस पे 2, 1, 3 कोई भी नंबर हो सकता है। अब अगला बात ये है कि जेड के प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन अगर जेड इक्वल टू 1 रख दोगे यहाँ पर तो देखो क्या होगा, जेड इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो जेड इधर भी 0 हो जाएगा और इधर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो वहाँ से सॉल्व नहीं होगा। तो फिर इसको कैसे करते हैं, इसके लिए बात करते हैं। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, और ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है अगर इसको सब लोग ध्यान से देखें तो a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये gp के n टर्म्स का सम है कि नहीं है। तो ये जो बात लिखी हुई है, ये 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब
अप टू जेड टू द पावर एन माइनस वन, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। और अब अगर हम लोग सब लोग ध्यान से देखेंगे तो इसके अगर n टर्म का सब निकालोगे तो यही आ जाएगा। तो क्या ध्यान से देखेंगे अब आगे की बात, ये जो टर्म है वो कितने टर्म है, n टर्म है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो जब कभी भी प्रोडक्ट में लिखा होगा इसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर 1 जा रहा है तो 1 अगर जा रहा है तो इसकी तरफ याद करेंगे। और अब अगर देखोगे इसमें तुम जेड इक्वल टू 1 रख रहे हो तो लेफ्ट भी 0 और राइट भी क्या हो रहा है 0, लेकिन इसमें जेड की जगह 1 रखो, देखो 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन इधर जेड की जगह 1 रखो, देखो 1 1 1 1, तो ये टोटल 1 कितनी बार है, n बार है कि नहीं, टोटल n कितनी बार है, 1 बार, n बार है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, n आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इसको नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे कि अल्फा का वैल्यू e की पावर i 2π/11 है और हमें रियल पार्ट ऑफ दिस की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले कि जैसे e की पावर i थीटा मिल रहा है तो सबको ये समझ जाना चाहिए कि कौन से रूट ऑफ यूनिटी की बात चल रही है। अपॉन में जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या बताता है, 11 लिखा हुआ है, तो इसका अलग ये क्वेश्चन किसका चल रहा है, 11 रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि अल्फा बराबर क्या बताया था, e की पावर i 2π, और जितने भी nth डिग्री की है तो अपॉन में क्या हो जाता है n, तो ये क्या है 11। अच्छा जैसे ही बात आई कि 11th रूट की बात हो रही है तो यानी कैसा हुआ, ऑड डिग्री हो गई कि नहीं हो गई, तो इसका अलग एक ही रियल रूट होगा क्या, एक, और बाकी बचे कितने 10, 5 ऊपर और 5 वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट, बात खत्म हो गई। अब यहां पे इसकी वैल्यू निकालनी, तो याद करो तुम्हें क्या बात हुई थी कि अगर z बराबर x प्लस आई वाई है और z बार बराबर फिर क्या दिखा था, x माइनस आई वाई, तो हमने x की जो वैल्यू देखी थी वो 1/2 z प्लस z बार थी, और इसी x को ही हम लोग क्या बोलते हैं, x क्या है, तो x जो है वो z का कैसा पार्ट है, रियल पार्ट है कि नहीं, तो इसी x का नाम क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z। और अगर कोई y पूछता है तो y का नाम क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अगर रियल पार्ट ऑफ z के बारे में कोई बात कर रहा है तो ये 1/2 z प्लस z बार है। तो इसका मतलब कि हमको जो क्वेश्चन ने बोला है, ये मैं तुमको फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ केवल अभी, हमको ये बोला गया अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा पे पावर 4 अल्फा पे पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 और ब्रैकेट के अंदर, अब जेड जो रियल के अंदर लिखा गया है ये पूरी वैल्यू किसकी है, जेड की है, तो इसका मतलब यहाँ जेड का काम कौन कर रहा है, ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके काम कर रही है, जेड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा पे पावर 4 अल्फा पे पावर 5 और ये इसके ऊपर क्या आएगा, बार। फिर सबको ध्यान आएगा क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई बार लगाए तो इसका मतलब क्या होता है, जेड वन प्लस जेड टू का बार हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो इसलिए यहाँ से जो बार होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो 1/2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा पे पावर 4 अल्फा पे पावर 5 प्लस अल्फा बार अल्फा स्क्वायर बार और प्लस अल्फा क्यूब बार प्लस अल्फा पे पावर 4 बार प्लस अल्फा पे पावर 5 बार। अब कभी भी बार को हटाना है और कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के टर्म में नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इसी आर्टिकल की होती थी, मॉड जेड स्क्वायर बराबर जेड इंटू जेड बार। और हमें ये पता है क्या कि जब मैं कोई भी nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, nth रूट ऑफ, तो उसमें मॉड जेड की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी कि नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे यूनिट रेडियस के ऊपर होंगे कि नहीं, और मॉड जेड का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन से इसके बीच की डिस्टेंस, तो ये हमेशा क्या होगा, 1। और वैसे भी देखो क्या होता है, ऐसे भी याद कर सकते हो, जेड बराबर आर ई की पावर आई थीटा होता है कि नहीं होता है, तो आर का मतलब क्या होता था, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी का मतलब क्या होता है, मॉड जेड,
तो यहां पे याद करो, ये इस जगह पे कोई वैल्यू जो लिखी हुई है किस जगह पे, आर की जगह पे, उसी का नाम क्या है, मॉड जेड। तो इसका अलग यहां पे आर की जगह पे कितना लिखा हुआ, एक, तो सीधे मॉड जेड की वैल्यू क्या हो गई, वन। बात के लिए याद आ गई। अब जैसे देखा मॉड जेड वन हो गए, तो वन बराबर जेड इंटू जेड बार, तो जेड बार का मतलब क्या हो गया, वन अपॉन जेड हो गया कि नहीं हो गया। तो अब जितने भी बार वाले टर्म है इनको मैं चाहो तो हटा सकता हूं, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, और ये अल्फा बार की जगह कितना हो जाएगा, वन अपॉन अल्फा। अब बार है तो वन अपॉन जेड, तो अल्फा स्क्वायर का बार है तो ये कितना रहेगा, वन अपॉन अल्फा स्क्वायर। ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, और ये कितना रहेगा, और अब यहां पे अल्फा पे पावर 5 क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो ये अल्फा पे पावर 5 एलसीएम आ गया, और जब ये अल्फा पे पावर 5 एलसीएम आ गया तो ये कितना रहेगा, 6 7 8 9 10, ये कितना रहेगा, 4, ये क्यूब, ये कितना है स्क्वायर, ये अल्फा, और ये क्या, 1। कोई प्रॉब्लम? अच्छा तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम एक बात याद करोगे, क्या याद करोगे, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसको याद करो, ये क्या है, किसी को ध्यान आ रहा है ये क्या होगा, कनेक्ट करो, कितने रूट होंगे इसके अंदर टोटल, 11। और रूट कैसा होगा, पहला रूट क्या होगा, 1, फिर क्या होगा, अल्फा, बचे कितने, 10, 5 ऊपर 5, तो रूट कैसे होंगे, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा पे पावर 4, कहाँ तक चला जाएगा, अल्फा पे पावर 10 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर कितनी होगी इसकी, 11। याद आ गई बात कि नहीं, और ये क्या है, रूट का सम हो गया कि नहीं, और रूट का सम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। लेकिन शर्त ये कि जब वो 1 से लेकर पावर कहाँ तक चल रहा हो, 10 तक, तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कहीं कोई छूट तो नहीं रहा है, पावर 5 छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। तो इसका मतलब कि 1 प्लस अल्फा क्यूब, अल्फा 4, अल्फा पे पावर 5, अल्फा पे पावर 6, अल्फा पे पावर 7, अल्फा पे पावर 8, अल्फा पे पावर 9 प्लस अल्फा पे पावर 10 बराबर क्या, 0। तो ये अल्फा पे 5 को उधर भेज दोगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी कि नहीं। तो जैसे ही रूट सम में दिखे तो तुम्हारे दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए कि रूट का सम हमेशा क्या होगा, 0, और उसमें जो टर्म कम होगा उसको दूसरी साइड क्या कर दोगे, भेज दोगे, वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से क्या गया, 1/2 अल्फा पे पावर 5। जैसे ही प्लस में दिखे तो तुम्हारे दिमाग में ये स्ट्रेटेजी चलनी चाहिए जो हमने अभी सिखाई है। तो इसका आंसर कितना गया, -1/2। तो नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड मेथड जब हम लोग बात करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये भी कि तुम ग्राफ के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ग्राफ क्या, अब भाई nth रूट अबिलिटी का ग्राफ प्लॉट करना तो हम लोग को आता है, कैसे, ये 11th रूट अबिलिटी है तो जितने भी रूट हो गए वो सब सर्किल में आ गए, ये इधर इस तरीके से, और अब यहाँ पे ये क्या है, ये तो 1 हो गया, अब बचे रूट कितने, 10 बचे हैं कि नहीं, तो 5 ऊपर होंगे और 5 नीचे, 1 2 3 4 5, इसके बाद के रूट सब कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये पावर 6, ये पावर 7, पावर 8, पावर 9, और ये पावर क्या हो गई, 10। अब एक बात ध्यान से सोचो कि मुझे सिर्फ इसका रियल पार्ट चाहिए, रियल पार्ट कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, मुझे रियल पार्ट सिर्फ इतने पार्ट का चाहिए, इतने पार्ट का। अब सब लोग जितने भी क्वेश्चन हो उसमें तुम एक बात ध्यान करो कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है और उसका कोई कॉन्जुगेट निकालता है तो हम लोग को ध्यान है कि इसके एक्स वाले पार्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब कि अल्फा पे पावर 1 से लेकर अल्फा पे पावर 5 तक जो एक्स की वैल्यू होगी
ठीक वही x की वैल्यू यहां से लेके यहां तक भी तो होगी कि नहीं होगी, क्योंकि तो ये जो नंबर है ये इनके एक दूसरे के क्या है, कंजुगेट। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू को अगर मैं डबल कर दूं, और एक रियल नंबर एक छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, तो अब बताओ सारे रूट आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं, सारे रूट आ चुके हैं कि नहीं भाई। रूट का सम जीरो और रूट के खाली रियल पार्ट का सम भी क्या है, तो यहां से रियल पार्ट केवल क्या मिला वन, और फिर इसका रियल पार्ट नीचे लेकर रियल पार्ट तो हमने लिखा नहीं, क्योंकि ये जो नीचे लिखा वही क्या है ऊपर, तो इसलिए इसको क्या कर दिया ट्वाइस और प्लस वन, तो बराबर ये वैल्यू कितनी हो गई जीरो। बस लो हो गया सॉल्व क्वेश्चन। माइनस वन बाई टू ये आंसर निकाला था, तो ऐसे भी सोच सकते हैं, नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फा इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ वन, यानी कि अल्फा पे पावर फाइव इक्वल टू वन, यानी इस बार क्वेश्चन में किसकी बात हो रही, फिफ्थ रूट ऑफ इनफिनिटी। अच्छा जैसे फिफ्थ रूट ऑफ इनफिनिटी के बारे में बात हुई तो समझ में आ गया क्या, वन अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा पे पावर फोर, इसका सम क्या होगा जीरो, सब कुछ किस में है प्लस में, इसलिए प्लस से हम लोग सोचेंगे। अब इस बार वैल्यू क्या है, टू की पावर वन प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा पे पावर माइनस टू माइनस वन, तो इक्वल टू वन प्लस अल्फा स्क्वायर, वन अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस दिस, तो टू की पावर अल्फा स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, और ये अल्फा पे पावर फोर दिस, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब ध्यान कर लो क्या बात अभी हुई थी, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसमें कौन छूट रहा है, अल्फा छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, तो अल्फा को हम दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे कि नहीं, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी माइनस अल्फा, माइनस अल्फा कहां से आ गया समझ गया कि नहीं, वन अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा पे पावर फोर की वैल्यू का सम क्या होगा जीरो, तो जो नहीं है उसको दूसरी साइड भेज देना है, तो टू की पावर माइनस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो यानी कि ये क्या बोल गया टू अल्फा, माइनस साइन तो मॉड में हट जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, अब टू अपॉन मॉड अल्फा, ये मॉड अल्फा की वैल्यू क्या होगी वन, क्यों, क्योंकि जितने भी रूट होंगे उन सबके मॉड की वैल्यू क्या होगी वन, क्योंकि सारे रूट कहाँ पे थे वर्टेक्स पे, और ओरिजिन से वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है वन, तो यानी कि ये टू की पावर टू, तो ये कितना आ गया फोर, नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में भी ये बोला है कि डब्ल्यू जो है वो फिफ्थ रूट ऑफ इनफिनिटी है, अब लॉग टू अब फिफ्थ रूट ऑफ इनफिनिटी है, तो वन से लेकर पावर फोर तक जो है सम क्या होगा जीरो होगा, वन से लेकर पावर फोर तक सम क्या होगा जीरो, वन डब्ल्यू पे पावर वन, डब्ल्यू पे पावर टू, डब्ल्यू पे पावर थ्री, डब्ल्यू पे पावर फोर, इसकी वैल्यू का सम क्या जीरो। तो यहां पर एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू क्यूब डब्ल्यू टू दी पावर फोर माइनस वन अपॉन डब्ल्यू, और अब इस वैल्यू में देखो क्या मिसिंग दिख रहा है, वन मिसिंग दिख रहा है कि नहीं, तो वन को दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे तो इसकी वैल्यू टोटल क्या आ जाएगी माइनस वन, तो ये लॉग बेस टू और ये क्या आ जाएगा माइनस टू अपॉन डब्ल्यू, और अब यहां से क्या आ जाएगा लॉग बेस टू टू अपॉन मॉड डब्ल्यू, और मॉड डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी वन, तो इसलिए हम लोग के पास बचेगा क्या लॉग टू बेस टू, और इसकी वैल्यू क्या होती है वन होती है, तो इसका आंसर वन आ जाएगा, नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन है पहले ध्यान कर लो, अल्फा बराबर ई की पावर क्या है आई टू पाई बाई सेवन, तो इसका ये जो क्वेश्चन चल रहा है किसका चल रहा है सेवन रूट ऑफ यूनिटी, कोई प्रॉब्लम इसमें। अच्छा अब उस क्वेश्चन ने कहा है कि मुझे इसकी वैल्यू बताओ, और जहाँ पे बताया एफ एक्स क्या है, एफ एक्स का मतलब ए नॉट दिस ये लिखा हुआ है, तो देखते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर ए नॉट प्लस सिग्मा के इक्वल टू वन टू ट्वेंटी ए के एक्स टू द पावर के ये लिखा है। अच्छा दूसरी वैल्यू में क्या लिखा है एफ ऑफ अल्फा एक्स, यानी इसमें एक्स को बदला गया है अल्फा एक्स से,
और जब x को बदला जाएगा अल्फा x से तो ये a k, और ये क्या हो गया अल्फा x होल टू द पावर k आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऐसे क्या कर रहा है वो, हर स्टेप में एक एक पावर बढ़ाते हुए चला जा रहा है, कहाँ तक पावर 6 तक। मैं एक और स्टेप लिख रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर x, इसका वैल्यू भी क्या होगा a नॉट, कहाँ x बदल रहा है ना, तो इधर को बोर्ड पे x बदला है तो यहाँ भी सिर्फ किस में बदलेगा x में। तो ये a नॉट k इक्वल टू 1 टू 20 a k और अल्फा स्क्वायर x होल टू द पावर k, और ऐसे करते करते यहाँ तक हम अल्फा टू द पावर 6 x इक्वल टू a नॉट प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 टू 20 और अल्फा पे पावर 6, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ का हमें क्या चाहिए सम, तो इसका मतलब मुझे सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो मैं जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ अल्फा एक्स प्लस एफ ऑफ अल्फा टू द पावर 6 एक्स इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखो ये a नॉट a नॉट a नॉट a नॉट ये सब जुड़ जाएगा, ये a नॉट है कितनी बार, 7 बार है, यहाँ पे पावर 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है 6, तो 6 ये हो गया प्लस 1 ये हो गया, तो ये क्या बन गया 7 a नॉट, बोर्ड पे भी देखेंगे, प्लस सिग्मा, सिग्मा इसमें सभी में चल रहा है, इधर देखो सिग्मा यहाँ से लेके यहाँ तक सब में चल रहा है कि नहीं। अब जरा देखो कुछ कॉमन हो सकता है, तो मैं कहूँगा हाँ a के सब में कॉमन है, दूसरा अगर मैं कॉमन लेने की कोशिश करूंगा तो x की पावर k सब में कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको कॉमन कर लेते हैं, तो k इक्वल टू 1 टू 20 a k x टू दी पावर k, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा टू दी पावर k, अल्फा टू दी पावर 2 k प्लस अल्फा टू दी पावर 6 k। और अब अगर सब लोग ध्यान से देखें तो ये GP बन रही है कि नहीं बन रही है, और GP पे इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं सम, तो निकाल देते हैं, तो ये कितना रहेगा 7 a नॉट प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 टू 20 a k x टू दी पावर k, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो अल्फा पे पावर 6, टोटल टर्म कितने हैं 7, अरे भाई 1 से 6 तक तो ये है एक प्लस ये भी है, तो टोटल टर्म कितने हैं 7, और अब अल्फा पे पावर k माइनस 1। अब सब लोग अगर ध्यान करोगे तो इस टर्म की वैल्यू तुम्हारे पास है, जरा ध्यान से देखो हमारे पास क्या दिया गया 7th रूट ऑफ यूनिटी है कि नहीं, अरे भाई 7 इधर आ गया और e की पावर i 2 पाई, तो e की पावर i 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 1 ही तो होगी, तो ये e की पावर i ऐसे भी देखा जाता है, ये 2 पाई बाई n लिखते हो तो nth रूट ऑफ यूनिटी बोलते हो, जब नीचे 7 लिखा है तो क्या है, और एग्जैक्टली इसको ऐसे देखा जाए ऐसे भी देख सकते हो e की पावर i 2 पाई, तो अल्फा की पावर 7 इसको क्या लिख सकते हो cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, और sin 2 पाई की वैल्यू क्या 0 और cos 2 पाई की वैल्यू क्या 1, तो अल्फा की पावर 7 की वैल्यू क्या हो गई 1। अब अगर मैं इसमें दोनों साइड k लगा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1 की पावर k का मतलब क्या हो गया 1, और इसका मतलब क्या हो गया ये अल्फा की पावर k और होल टू दी पावर 7 भी तो लिख सकते हो कि नहीं, और जैसे तुमने लिखा तो कहा अरे ये तो वैल्यू यही है, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू 1, तो टोटल इस टर्म की वैल्यू क्या बन चुकी है 0, तो बचा सिर्फ कितना 7 a नॉट, तो ये था इसका आंसर, इसको नोट करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ने बताया कि 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 8 क्या है 9th रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक, तो यानी 9th रूट ऑफ यूनिटी होने का मतलब क्या हुआ कि इसका एक रूट रियल क्या है 1, क्वेश्चन ने बता दिया है, बाकी के रूट जो बचे वो कितने बचे 8, तो 4 ऊपर होंगे और 4 नीचे होंगे। अच्छा अब तुरंत ये देखना चाहिए कि ये कैसा दिख रहा है जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 ऐसा लाइक फॉर्मेट अभी हमने बताया था उसके बारे में बात हो रही है, यानी कि अच्छा अब ये 9th रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका मतलब ये क्या बात हुई, ये दिस का मतलब हुआ ये और इसका मतलब ये, और इसके ही रूट क्या है 1 अल्फा 2 ऐसे करते हुए अल्फा 8 तक, तो जेड की पावर 9 माइनस 1
जेड बाइडस वन, जेड बाइडस अल्फा वन, जेड बाइडस अल्फा टू, जेड बाइडस अल्फा थ्री और करते हुए जेड पूरा ही लिखना पड़ेगा, जेड बाइडस अल्फा फोर, जेड बाइडस अल्फा फाइव, जेड बाइडस अल्फा सिक्स, जेड बाइडस अल्फा सेवन और जेड माइनस अल्फा एट ये लिखा गया है। अच्छा तो ध्यान से देखो कि जो तुम्हें लाना है वो क्या लाना है, वन, फिर क्या थ्री, फिर क्या सेवन। और एक बात तो ये क्लियर हो रही है कि जेड की जगह उन्होंने टू रखा है कि नहीं रखा है, तो इसका मतलब कि एक तो बात तुमने यहाँ पे ये रख के ख़त्म करी, जेड बराबर क्या है टू, इधर देते हैं तो टू की पावर नाइन माइनस वन और ये तो हट जाएगा तो टू बाइडस अल्फा वन, टू बाइडस अल्फा टू, टू बाइडस अल्फा थ्री, टू बाइडस अल्फा फोर, टू बाइडस अल्फा फाइव, टू बाइडस अल्फा सिक्स, टू बाइडस अल्फा सेवन, टू बाइडस अल्फा एट। अब जो जो टर्म हमें गायब करने हैं उनके बारे में हम लोग सोचते हैं, जितने भी और डाले हैं वो सब गायब करने हैं, सॉरी और डाले रखने, इवन वाले क्या करने, गायब। रूट जो ये दिया गया था ये था नाइन्थ रूट ऑफ इनिटी, और जहाँ कोई गायब करने की बारी के बारे में बात करे तो तुरंत यहाँ पे दिमाग में आ जाए कि फिगर से काम हो रहा होगा। अब क्या हो, कैसे गायब होगा, नाइन्थ रूट ऑफ इनिटी वन हो गया, बचे कितने फोर रूट, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर, ये चार ऊपर आ गए, अल्फा फाइव, अल्फा सिक्स और ये अल्फा सेवन और ये अल्फा एट। चलो गायब करते हैं, सबसे पहले अल्फा एट को गायब किया मान लो, तो अल्फा एट को गायब करने का मतलब क्या हुआ, अल्फा एट को लिखना चाहे तो हम लोग अल्फा वन का बार लिख सकते हैं कि नहीं, ऊपर का कंजुगेट नीचे, नीचे का कंजुगेट ऊपर, ये गायब हो चुका है। अब उसके बाद फिर सिक्स को गायब करते हैं, तो अल्फा सिक्स कहाँ है, ये लिखा है, तो इस अल्फा सिक्स का मतलब कितना हो गया, अब उसके बाद कौन बचा, अल्फा फोर, तो अल्फा फोर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये अल्फा फाइव है, कितना है ऋतिक, अल्फा फाइव पे बार, और अल्फा टू, तो अल्फा टू का वाला कितना आ जाएगा, अल्फा सेवन पर बार। अब अगर ये किसी को फिगर और इसके इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है, किससे कौन रिप्लेस होगा, हवा भी नहीं लगेगा, ये हो गया। अब जरा देखो कौन किसके साथ आ जाएगा, देखो इधर एक अल्फा वन ये दिया, ये अल्फा वन बार हो चुका है, तो इसको और इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, टू की पावर नाइन माइनस वन, इसको सॉल्व करके सब लोग बता देंगे फटाफट वैल्यू क्या है, ये ऐसा आ गया। अब जरा देखो फिर अल्फा थ्री है ये, और ये अल्फा थ्री बार है, इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, फिर उसके बाद बचा कौन सा, फाइव, फाइव वाला ये है, तो अल्फा पे पावर फाइव बार ये वाला है, फिर उसके बाद सेवन पे बार ये है और सेवन ये है। एक बात जरा सब लोग सोचो कि अगर रियल नंबर है इसका कोई कॉन्जुगेट बोले, अगर जेड बराबर मान लो टू है तो जेड बार बराबर टू ही तो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसका मतलब रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा, वही होगा। तो हम इस बात को अगर सोचें तो इस पे ऐसा लगा दें, कोई समस्या आ जाएगी क्या, बोलो। अच्छा अब जब तुम्हारे पास समस्या नहीं है तो तुम्हारे दिमाग में एक बात और आएगी, और वो बात ये है कि जो ये लिखा है उसी का बार ये लिखा है कि नहीं लिखा है, और फिर देखो तुम्हारे दिमाग में आता है कि सिमिलरली ये भी जो लिखा है उसी का ये बार लिखा है कि नहीं लिखा है, जो ये लिखा है उसी का बार ये हो गया कि नहीं, ये ऐसे ये भी हो गया। और जैसे तुमने ये सब बात सोची तो तुम्हारे दिमाग में बात आ गई क्या,
2 की पावर 9 माइनस 1 बराबर मॉड 2 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि जेड इंटू जेड बार वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और फिर ऐसे दूसरा ला, फिर ऐसे ही तीसरा ला, फिर ये आ गया। और सब स्क्वायर को दूसरी साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आई? और स्क्वायर को जब इधर ट्रांसफर कर लिया तो ये बचा। और अब जितने भी मॉड हैं उनको हम एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जेड वन इंटू जेड टू मॉड बराबर क्या होता है? जेड वन मॉड इंटू, और जैसे इसको लिखोगे तो देखोगे कि इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू ही हम लोग को निकालनी है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं उन्हीं सभी पॉइंटों को लगभग मैं कवर करते हुए क्वेश्चनों को बता रहा हूँ। अब वो तुमको सारे पॉइंट रिकॉल होने चाहिए, वो पॉइंट का मकसद क्या है, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ, ठीक है? इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो कोई भी रूट ऑफ यूनिटी की बात नहीं करी उसने, एक सिंपल सी बात करी है, जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड सिक्स, इस इक्वेशन के 6 रूट हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको, इसका मतलब कैपिटल पाई का मतलब प्रोडक्ट, तुम्हें जेड वन प्लस वन जेड टू प्लस वन जेड थ्री प्लस वन जेड फोर प्लस वन जेड फाइव प्लस वन और जेड सिक्स प्लस वन, यही तो वैल्यू निकालनी थी। ये तो क्वेश्चन बस ऐसे लिख दिया कि कोई जरूरत थोड़ी कि उसमें कोई रूट ऑफ यूनिटी बोले तभी काम करना है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए लोग इसको सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या ये जीपी बन रही है, जीपी का सब निकालो तो कोई रूट ऑफ यूनिटी दिखने लग जाएगा, उसके जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक बात आओ, डिग्री कितनी है? 6। क्वेश्चन ने 6 रूट दे दिए और ये पूरी इक्वेशन का से मल्टीप्लाई वाला फॉर्म है कि नहीं, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि भैया ये जो लिखा हुआ है इस पूरी लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब सिर्फ यही है कि जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू जेड माइनस जेड थ्री जेड माइनस जेड फोर जेड माइनस जेड फाइव जेड माइनस जेड सिक्स। और अब सबसे बड़ी डिग्री कितनी? 6। इसका कोफिशियंट यहाँ पे कितना है? 1। तो इसलिए यहाँ भी कितना है? 1। अब इस वैल्यू में मैं क्या करूँ कि ऐसा आ जाए? तो मैं कहूँगा हाँ मैं कर देता हूँ क्या, जेड इक्वल टू माइनस 1। तो जैसे जेड इक्वल टू माइनस 1 रखोगे तो माइनस आने की दर्द कॉमन हुआ, शकल मिलने लगी, सबकी शक्लें मिलने लगी कि नहीं, तो जेड की जगह माइनस 1 रखो, तो जैसे माइनस रखो ये तो प्लस 1, ये क्या प्लस 1, ये भी क्या प्लस 1, ये क्या प्लस 1, ये क्या प्लस 1, ये प्लस 1। और इधर सबसे माइनस साइन कॉमन करो, कितनी बार माइनस आएगा? 1 2 3 4 5 6, तो वो माइनस कॉमन हो गया, सब कुछ क्या हो चुका है? प्लस। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या तो तुम इंटरलिंक क्वेश्चन को करना है, और अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ये 6 इसका आंसर आ गया, नोट कर लेंगे। ये एक जेड क्यूब जेड स्क्वायर एक और लिखना है, वहाँ जेड स्क्वायर भी दिया गया है क्वेश्चन में, उसको करेक्ट कर लो। ये हो गया, तो ये एक प्लस में, यानी कि एक जेड स्क्वायर तो यहाँ से एक प्लस और बढ़ जाएगा, कुल मिला के कितना आ जाएगा? 7। इसको नोट कर लेंगे, कोई दे रहा। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर एनी इंटीजर के अल्फा के सफिक्स में क्या लिखा, कॉस के पाई बाई 7 प्लस आई 10। और के क्या है? एनी इंटीजर, के यानी कि इवन इंटीजर भी हो सकता है और ऑड। अच्छा, अब ये तो क्वेश्चन सिर्फ तुमको डराने के लिए लिखा गया एक्चुअल में। यहाँ पे एक बात सोचो, मैं चाहे सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी लिखता या नहीं लिखता तो भी फर्क नहीं पड़ता था,
तुमको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी थी, ये k प्लस वन और k ये कैसी वैल्यू है, कॉन्सिक्यूटिव है कि नहीं है? अरे बोलो, कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू है कि नहीं? ये कैसी वैल्यू, 4k माइनस वन, 4k माइनस टू, वो भी वैल्यू कैसी है? अच्छा, दो वैल्यू के ऊपर किसी ने लगा दिया है मॉड, और उसके बीच में क्या है, माइनस, तो इसका मतलब सब लोग क्या समझेंगे, अगर मॉड के अंदर किसी ने जेड वन माइनस जेड टू लिख दिया तो इसका मतलब हम लोगों ने सीखा था, क्या समझा था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट था कि नहीं था? जैसे ये बात तुम्हारे दिमाग में आएगी तो तुम्हारे दिमाग में एक बात और आनी चाहिए, क्या, कि जब हम कोई भी रूट ऑफ यूनिटी पढ़ते हैं तो तुरंत एक बात दिमाग में आती है कि अगर रूट्स के बारे में कोई बात करेगा, मान लो ये अल्फा स्क्वायर, तो इसके बीच की अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी होगी तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, मॉड अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, ऐसे बनता शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मान लो इसके आगे अल्फा क्यूब हमने लिख दिया तो ये डिस्टेंस क्या होगी, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब। लेकिन जितने भी रूट ऑफ यूनिटी पढ़ोगे, अब रूट ऑफ यूनिटी की इंपॉर्टेंस आ गई, क्या, कि अगर ये रूट ऑफ यूनिटी है तो ये सारी वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर। अगर रूट ऑफ यूनिटी नहीं है तो ये वैल्यू आपस में बराबर, भाई दो वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस तुम बराबर कैसे कह सकते हो? ये तभी तुम कह पा रहे हो जब ये तुमने क्या पढ़ा था, nth रूट ऑफ यूनिटी, ये पूरा पढ़ा था। तो अब तुम कहोगे कि हाँ, इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, कि ये जो वैल्यू बता रहा है, ये क्या बता रहा है, सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? और जैसे बोला सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी, भाई इसका मतलब क्या हो गया, ये e की पावर i k पाई बाई सेवन बन गया कि नहीं बन गया? तो ये कैसी बात हो रही है, सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी। अरे भाई, अल्फा k इक्वल टू e की पावर i k पाई बाई सेवन, और पावर सेवन को इधर ट्रांसफर कर दिया, e की पावर i k पाई, और इसकी वैल्यू क्या, cos k पाई प्लस आयोटा साइन के पाई, और के क्या है, इंटीजर है, तो साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और कॉस के पाई की वैल्यू या तो प्लस वन जाएगा या फिर क्या जाएगा, माइनस वन। तो कुल मिला के रूट ऑफ क्या है, यूनिटी। अच्छा, अब जैसे ही रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात हुई तो तुमने कहा ये सब वैल्यू आपस में क्या है, बराबर। तो इसका मतलब कि ऊपर जो लिखा गया होगा ये कैसे चला गया, देखो वन रखा तो अल्फा टू माइनस अल्फा वन, फिर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, टू, फिर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, थ्री। ऐसे जब तुम लिखते हुए चलोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक बात नहीं आनी चाहिए, अल्फा के वैल्यू वन, फिर टू रखा, बस एक लाइन और लिख रहा हूँ, अब नहीं लिखूंगा, ये कुछ अब दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पकड़ पा रहे हो कि नहीं, बोलो, नीचे रखोगे, ये तो तीन ही बार है ना, आठ, और ऐसे ही ये तीसरी वैल्यू तो झूठ मूठ लिखवाया तुमने, क्या दिखा सबको? अरे भैया, ये सब वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं है? अब इनकी वैल्यू क्या है इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि जो भी वैल्यू आएगी यही वही वैल्यू आएगी जो ये आएगी। तो ये वैल्यू टोटल है ऊपर कितनी बार, 12 बार। तो मान लो इसकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए लैम्डा है, तो टोटल ऊपर कितना आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, कैंसिल हो गया आंसर। और अगर वैल्यू कोई निकालने को बोल देता तो भी निकाल सकते हो, इधर देखो कैसे, मान लो ये जेड वन है, ये जेड टू है, तो तुम तुरंत कहते कि ये तो बीच का एंगल क्या होगा, जीरो, ये वैल्यू वन है, ये वैल्यू क्या है, वन, और इनके बीच का एंगल लिख लेते, क्या लिख लेते इनके बीच का, अरे एंगल कैसे लिखते, तो कहते ये जो लिखा है ये रूट के बीच का क्या है, एंगल। तो यहाँ से ये एंगल तुमको मिल गया, और ट्राइंगल में तीन साइड पता हो और कोई एक साइड निकालना हो तो सीधे कॉस रूल लगा दिया जाता है, इसको ओ, इसको ए, ये मान लिया, और ये अगर थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन ओ ए इंटू ओ बी, इसमें डाल देते तो सीधे क्या ए बी बन जाता है, लेकिन ए बी हमें निकालने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए नहीं निकाले जाएगा, नोट कर लेंगे।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अल्फा नॉट, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन माइनस वन विद एनथ रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। और ये एनथ रूट ऑफ यूनिटी यहाँ लिखा है थ्री, तो इसका अर्थ जेड का वैल्यू तो थ्री हो जाएगा। जेड माइनस अल्फा नॉट, जेड माइनस अल्फा वन, जेड माइनस अल्फा थ्री, ऐसे करते हुए जेड माइनस कितना हो रहा, अल्फा एन माइनस वन, वो जेड के माइनस में नंबर आ रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ये शुरुआत क्वेश्चन की इसी से हुई होगी, ये लाइन से, और ये लाइन ऐसे रही होगी। ये अब इसमें जेड की जगह क्या रखा गया होगा, थ्री रखा गया होगा, लेकिन ये सब चीज़ें किसमें, सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस, और ये किसमें लिखा है, मल्टीप्लाई में। तो कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है और उसको कहाँ लाना है, प्लस में, तो इसका लो इसका हम लोग क्या ले लें, लॉग, क्योंकि लॉग ही तो ऐसा कर सकता है, तो हमने इसको लॉग ले लिया। और उसके बाद अब इसमें log m इंटू एन का फार्मूला लग जाएगा, ये आ गया। अच्छा, लेकिन ये चीज़ किस में, लॉग में तो नहीं है, लेकिन कहाँ है, अपॉन में, यानी कि जो लॉग के अंदर लिखा गया है वही नीचे लाना है, और लॉग के अंदर जो लिखा है वही नीचे लाना है। ये कैसे हो सकता है, जैसे ये वाई बराबर लॉग एक्स लिखा है और तुमको चाहिए वन अपॉन एक्स, तो ये कब मिल सकता है, जब इसका क्या किया जाए, डिफरेंस, तो इसका डिफरेंशिएशन किया गया होगा, तो जेड के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, एन जेड टू द पावर एन माइनस वन अपॉन बराबर प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन, वन अपॉन जेड माइनस अल्फा टू, ये बन गया। अब उसमें यार जेड की जगह क्या रख दिया जाएगा, थ्री। अच्छा, अब एक बात देखो, जेड की जगह थ्री रख देते हैं, तो ये एन ये देखो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, इसको आई लिख दिया और आई का वैल्यू जीरो से लेके कहाँ तक आ गया, एन, लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया उसमें वैसे ही सेटिंग चाहिए, क्या चीज रह रहा है ऊपर, अल्फा ही रह जा रहा है कि नहीं रह जा रहा है, तो उसको कैसे लाएंगे, अल्फा आई ये, तो इधर देखो कैसे लाएंगे, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ना, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो जरा सब लोग देख के बता दा, आई बराबर जीरो से एन माइनस वन, माइनस लगा दिया थ्री माइनस अल्फा आई माइनस थ्री अपॉन थ्री माइनस अल्फा आई, लिखे कोई प्रॉब्लम है क्या, अरे देखो तीन से तीन कट जाएगा, माइनस वाइनस से मिलके भाई आ गया, गिरी आ गया, और अब इसको अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो i बराबर 0 से n माइनस वन, और जब ट्रांसफर किए तो पहला वाला तो वन ही आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, प्लस थ्री कांस्टेंट बाहर आ जाएगा,
आई बराबर जीरो से एन माइनस वन वन अपॉन थ्री माइनस अल्फा ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो। और इसका मतलब क्या है, जीरो से एन माइनस वन, तो ये पूरी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या है, एन है कि नहीं है? अरे ये पूरी वैल्यू क्या है, एन। तो आई बराबर जीरो से एन माइनस वन अल्फा आई अपॉन थ्री बाय दस अल्फा आई बराबर ये माइनस एन प्लस थ्री सिग्मा आई बराबर जीरो से एन माइनस वन वन अपॉन थ्री बाय दस अल्फा आई। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। नहीं दिखा, ये क्या हो जाएगा, I बराबर जीरो से n माइनस वन अल्फा i अपॉन प्लस n, और ये तीन ये थ्री ऐसे ही लिखा रहा, कोई प्रॉब्लम? अब इस थ्री को अपॉन में कर लूं, अब यहाँ पे ये वैल्यू रख दी जाएगी, ठीक, और बाकी टर्म को इधर ट्रांसफर कर देंगे, वही उसका क्या बन जाएगा, आंसर। तो अभी क्या हो गया, इस पूरे की वैल्यू जो है ये, इस पूरे की वैल्यू ये लिखा गया है क्या, n इंटू थ्री। अरे यहीं रख देते काम खत्म हो जाता सीधे, क्या जी एक काम कर लेते हैं, ये इतना इधर उधर ट्रांसफर करने की जगह जान रहे हो ना, यही बेस की वैल्यू रख देते तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों सीधे आंसर बन जाएगा, इसी की तो वैल्यू निकालनी है ना, तो ये फालतू इधर उधर काम कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एन प्लस थ्री इंटू, इसकी वैल्यू क्या है, एन इंटू थ्री की पावर एन माइनस वन अपॉन, बस ये एलसीएम ले लो, हो जाएगा कि नहीं? अब और ये क्या हो गया, इसमें रही क्या गया, ये थ्री हट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, प्लस एन इंटू थ्री की पावर एन अपॉन थ्री की पावर एन माइनस वन, एलसीएम ले लेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो ये n अपॉन थ्री टू दी पावर n माइनस वन, ये इसका आंसर आ गया, ये था इसका रिजल्ट। अब नोट कर लेंगे फिर अगला लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये है कि w जो है वो nth रूट ऑफ इनिटी दिया गया है, और z1 z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी तरीके से हो सकते हैं। फिर हम लोगों को एक बात पता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस अगर दे दे, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में उसकी वैल्यू नहीं पता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हमेशा z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर से ही सॉल्व किया जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन ने जानबूझ के यहाँ पे क्या लगाया है, स्क्वायर लगाया है। अब जैसे ही स्क्वायर लगा हुआ देखा, तो इसकी हेल्प से मैं अगले स्टेप में इसको ऐसा लिखूँगा, तो सिग्मा के इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन जेड वन डब्लू टू द पावर के जेड टू जेड वन डब्लू टू द पावर के, और इस टोटल के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। जेड वन जेड टू ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, डब्लू भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है, इसलिए बार ये सब अलग अलग हो जाएगा। तो सिग्मा के बराबर जीरो टू एन माइनस वन जेड वन डब्लू टू दी पावर के जेड टू जेड वन पे बार डब्लू के इस पे बार आ जाएगा इंटू जेड टू दी पावर के। अच्छा अब जेड टू दी पावर एन पे बार हो या फिर जेड बार पे पावर एन, यहाँ से इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे
तो ये k इक्वल टू जीरो टू n माइनस वन z1 बार w के पावर पे बार इंटू z1 बार w पे पावर के z1 बार प्लस w पे पावर k पे बार ये z2 इंटू z2 बार। अब अगर सब लोग ध्यान से सोचना, सिर्फ सोचना किसके बारे में, इसके बारे में और इस स्टेप के बारे में, जो सोचेगा वो इसकी वैल्यू बता देगा। और ये क्या है इसके बारे में, तो देखो ये w k का बार है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सीधे, ये मॉड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मॉड में। और z^n के ऊपर कोई मॉड लगाए या मॉड z^n लिखे, दोनों का मतलब क्या था, सेम। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये मॉड w k बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, और साथ में इस पे जो स्क्वायर लगा है ये ऐसे दिखेगा तुम्हें w k इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसको अगले स्टेप में हम मॉड w^2 लिख सकते हैं। और w क्वेश्चन ने बताया क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी है कि नहीं है, तो nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसलिए मॉड w की वैल्यू सीधे क्या आ जाएगी, 1। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो इसकी वैल्यू जो चली गई वो क्या चली गई, 1। और ये जो वैल्यू है z1 इंटू z1 बार, इसका मतलब मॉड z1 स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड z2 स्क्वायर। और इसकी वैल्यू जरा सोचो सब लोग, अभी हमने कहा था, और इसकी वैल्यू सोचो, देखो सिग्मा गया है, गया कि नहीं गया, अब सिग्मा जैसे इसके ऊपर लगेगा तो ये वैल्यू कैसे बन रही होगी, सोचो एक बार, k की वैल्यू 0 तो ये 1, फिर k का वैल्यू 1, फिर 2, ऐसे करते करते ये बना कि नहीं बना, और ये जैसे ये देखोगे तो ये कह दोगे कि ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसलिए इसके वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 मिलेगा कि नहीं। और इसकी वैल्यू के बारे में भी क्या बोलोगे, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0, क्योंकि कॉन्जुगेट लग गया है, तो ये कॉन्जुगेट नहीं लगा तो एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, ये देखा जाएगा, और ये किस में चल रहा होगा, क्लॉकवाइज, तो है तो सम क्या, 0 ही, तो इसलिए ये रिजल्ट भी क्या हो गया, 0, ये रिजल्ट भी क्या हो गया, 0। अब बचा गया, चूंकि सिग्मा किस में चल रहा है, के में चल रहा है, इसमें कोई के का टर्म ही नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो बचेगा कितना हम लोग के पास, मॉड z1 स्क्वायर के बराबर 0 से इंटू 1 प्लस, यहां से क्या आ जाएगा, मॉड और 1 को जोड़ोगे n बार, तो कितना n ही तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बस जैसे इसको लिखेंगे n कॉमन कर लो, यही प्रूफ करना था, इसको नोट कर लेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था, ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं तब जाके ये टॉपिक हम लोग का पूरा खत्म हो जाएगा, नोट करो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बात करते हैं। देखो पहले पार्ट में क्या, ये nth रूट ऑफ यूनिटी है, हमें प्रूव करना पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट जो है ट्रिग्नोमेटिकल इक्वेशन के लिए भी याद रखना है, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन तो अलग है, लेकिन उससे ज़्यादा ये ध्यान रखना, ये ट्रिग्नोमेट्री की एक स्पेशल सीरीज़ है, उसमें ज़्यादा ध्यान रखना। हमने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी सीरीज़ के सम के फार्मूले हैं वो सब के सब कहाँ से निकाले गए, कॉम्प्लेक्स नंबर से ही निकाले गए हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे पहला वाला ये तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो ये तो सीधे से बात दिख रही कि z^n-1 z^n और z^α1 जो रूट दिए गए हैं, z^α2 और ये z^α(n-1) लिखा हुआ है, हमें जो वैल्यू चाहिए यहाँ से चाहिए, तो इसका इस टर्म को मैं इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ कि नहीं कर लेता हूँ। अच्छा अब तुमको एक बात मैं और बता दूँ, इस टॉपिक को जब अभी हम जब आगे हमने शुरू किया था तो हमने एक बात ये बोली थी सबसे
क्या, अगर जेड की जगह कोई वन रख देगा तो इसलिए इसको डिवाइड करके लिखा था ना। अब तुमको एक तरीका और बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि अगर जेड की जगह कोई वन रखता है तो इसको ऐसे भी देखा जाता है, जेड की जगह एक रखो तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, जीरो बाई जीरो हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको लिमिट से भी सॉल्व कर दिया जाता है ऐसे, लिमिट जेड टेंस टू वन। तो ये वन माइनस, दो ही होंगे तरीके, या तो वैसे सॉल्व कर सकते हो या लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हो। लिमिट वाला तरीका हम लोग को ध्यान रखना है कि ऐसी चीज के लिए, हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी क्वेश्चन किया था कि दो दो रूट क्या हो गए थे, रिपीट। तो यहाँ से अब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल लग जाएगा, तो ऊपर कितना रहेगा एन, जेड की पावर एन माइनस वन जीरो और अपॉन वन, और ये वन माइनस अल्फा वन, वन माइनस अल्फा टू, वन माइनस अल्फा थ्री, और अब यहाँ जेड की जगह वन आ जाएगा, तो ये इसका रिजल्ट ये आ गया पहला। पहले इसको नोट करेंगे, थोड़ी जगह बनाते हैं अगले पार्ट के लिए, नोट करेंगे फटाफट। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, देखो फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट तो ये है और ये पूरी वैल्यू साइन में बदली गई है, तो साइन वगैरह में ये पूरी वैल्यू तभी आ पाएगी जब यहाँ पर इनके रूट की वैल्यू पुट करी गई होगी। रूट ये क्या है, nth रूट ऑफ एनिटी है, तो जब nth रूट ऑफ एनिटी है तो यहाँ जो भी रूट होगा वो e की पावर i 2 पाई बाई n के फॉर्म का होगा कि नहीं होगा। अलग अलग जगह यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये कैसे लिखा जा सकता है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैपिटल पाई जेड माइनस, ये देखो नीचे चल रहा है, असल में ये रूट वन टू थ्री ये नीचे लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इसको आर लिख दिया ठीक। लेकिन ध्यान से सब लोग सोचो, ध्यान से ये जो नीचे इसे क्वेश्चन ने लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में पावर में चल रहे होते हैं कि नहीं चल रहे होते हैं, भाई ये अल्फा वन है तो इसका ये अल्फा रहा होगा, अल्फा टू का मतलब क्या रहा होगा अल्फा, इसको ये अल्फा क्यूब, और ये क्या रहा होगा अल्फा पे पावर, कोई प्रॉब्लम, इसलिए मैं नीचे ना लिख के इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत किसी को। और r की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, जीरो से कहाँ तक, n माइनस वन तक। अच्छा अल्फा की वैल्यू ये है, तो मैंने अगले स्टेप में एक काम किया, r बराबर जीरो से n माइनस वन और e की पावर i, अभी क्या हो जाएगा 2 पाई r बाई n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब जब तुमको कोई प्रॉब्लम रही है तो हम लोग एक काम यहाँ पे और कर लेते हैं, क्या कि ये e की पावर i थीटा है, तो e की पावर i थीटा की वैल्यू हम लोग को पता होती है, और साथ में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये लिखा है, ये यहां तक स्टेटमेंट पूरा सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी बात को अगर सब लोग विजुलाइज करो, तो अभी हम लोगों ने ये चीज प्रूफ करी थी कि नहीं करी थी, तो अगर मैं इस बात को इस्तेमाल अगर करना चाहूं इस बात को, तो यहां कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, बोलो n हो गया कि नहीं हो गया, इधर ये कितना हो जाएगा n, अब विजुलाइज करना सब लोग, कैपिटल पाई और यहाँ पे क्या होगा वन माइनस, कहाँ से शुरू हुआ था, अल्फा वन से शुरू हुआ था कि नहीं हुआ था, बोलो। तो ये e की पावर i टू आर पाई बाई n, और r का वैल्यू वन से लेके n माइनस वन तक लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, क्यों, अरे वन से शुरू हुआ था ना, तो इसमें जीरो वाला जो टर्म था वो इधर आ गया था, तभी तो इधर की वैल्यू n आई थी कि नहीं आई थी। तो एक पॉइंट सब लोग ये ध्यान रखेंगे, इस पूरी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं nth रूट ऑफ एनिटी में। अब मेन मुद्दा हमें ये प्रूव करना है, तो हम अपने प्रूविंग पे आ जाते हैं। तो यहाँ से ये आ गया, कोई डाउट इसमें किसी को। अच्छा अब जब कोई डाउट नहीं, तो अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे,
तो ये r इक्वल टू 1 टू n 1 माइनस cos 2r पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2r पाई बाई n, ये ऐसे आ जाएगा। अब ये माइनस साइन अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं, और ये 1 माइनस cos 2r पाई बाई n माइनस आयोटा साइन 2r पाई बाई n, और cos के साथ 1 है तो इसको मैं हटा सकता हूँ, और साइन का फार्मूला हमें पता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ से मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, इस क्वेश्चन की प्रूविंग सिर्फ यहाँ से है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि z टू दी पावर n माइनस 1 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने अलग से पहले उसको बता दिया था। तो ये n हो गया कैपिटल पाई, r इक्वल टू 1 टू n 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर r पाई बाई n, क्या cos 2a का फार्मूला लगे क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, सिमिलरली यहां पे लगेगा 2 साइन r पाई बाई n इंटू cos r पाई बाई n। यहां से मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ये n कैपिटल पाई 1 टू n ये अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ये माइनस अंदर ट्रांसफर को तो प्लस हो जाएगा, और इन दोनों से जरा देखो कुछ कॉमन हो जाएगा क्या, 2 साइन r पाई बाई n, और ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन r पाई बाई n माइनस आयोटा cos r पाई बाई n। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अच्छा अब यहां पे और ध्यान करो, क्या ध्यान करोगे, ये जैसे ये 2 लिखा हुआ है तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा अगर 2 बाहर आ जाएगा तो इसको मैंने 2 टू दी पावर n लिखा तो ये सही है कि गलत है? ये 2 टू दी पावर n कहां से आ जाएगा भाई, जरा कोई बता सकता है? अरे माइनस 1 यहां लिखना रह गई है। ये कहां से आ गया, इसीलिए शुरुआत से पूरी बात समझाई गई थी। हाँ यहां क्या है, इसीलिए इधर समझाया था, इस बात को तो यही लिखा है ना, तो इसमें हुआ क्या होगा, हर एक टर्म में इसको कॉस और साइन में बदला गया, तो इसका 2 इसका 2 इसका 2 इसका 2 कहां से हो रहा है, अल्फा 1 से शुरू हुआ है ना, तो इसलिए 2 कहां से शुरू हुआ, 2 2 2 2 ये टोटल कितने n टाइम्स, इसलिए 2 की पावर n ही आया है। कहां से बात समझ में आई, फिर से एक बार देखेंगे, इस लाइन को सबने ये लिखा, लेकिन हमारा शुरू कहां से हो रहा है, इस जगह से शुरू हो रहा है ना, 1 से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जरा ध्यान से देखो, ये cos ऐसे लिखा है, तो अगर मान लो r का वैल्यू 1 रखूंगा तो पहला टर्म हुआ, r का वैल्यू 2 रखूंगा तो इनटू में दूसरा टर्म आएगा कि नहीं आएगा, r का वैल्यू 3 रखूंगा तो किसका आएगा तीसरा, और ऐसे करते करते n माइनस 1 तक जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? अरे बोलो, तो यहां पे वैल्यू 1 से लेके कहां तक चल रही है, n माइनस 1, तो इसलिए यहां पर 2 टू दी पावर कितना आ जाएगा, n माइनस 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा अब जरा ध्यान से देखो, इस आयोटा वाले टर्म को हमें हटाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या किया इसका मॉड ले लिया। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मॉड जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएगा भाई, जैसे अगर ये जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई लिखा है तो इसका मॉड जब लोगे तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो? और अगर कोई कॉन्स्टेंट नंबर लगा होगा तो वो सीधे क्या कर देगा, उसको बाहर कर देगा। तो यानी कि जब इसका मॉड लेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ यहां दिखेगा, क्यों यहां पे दिखेगा, क्योंकि
ये वाला प्लेस कॉम्प्लेक्स नंबर का है, साइन आर पाई बाई एन कैसा चल रहा है, कॉन्स्टेंट, और ये एन के ऊपर भी लगा, ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट ही है, तो कुल मिला के हट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, वन हो जाएगी कि नहीं। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लोगे तो रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन। तो अब बचा तुम्हारे पास क्या, ये एन, और इसको अपॉन में कर लो, और बचा कितना, कैपिटल पाई आर बराबर वन से एन माइनस वन साइन आर पाई बाई एन। देखो ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, इसी को एक्सपेंड कर दोगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा, तो ये था इसका प्रूफ, ये पाई बाई एन इंटू टू पाई बाई एन एन माइनस वन। जो ट्रिग्नोमेटिकल इक्वेशन तुमने देखी हो सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर से प्रूव हैं, इसीलिए उनका कोई प्रूफ 11 12 बताता नहीं है उसमें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज का सम निकालना हम लोग के सिलेबस में ही नहीं हो, तो बहुत आगे की पढ़ाई है, समझे, इसको नोट कर लेंगे।